अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से ही होंगे। जी बच्चों, हमने हिंदुस्तान की चंद मशहूर ख़वातीन के बारे में पढ़ा था। उनमें थी एक जेबुन निशा बेगम एंड नशातुन निशा बेगम, और कौन थी? बेगम अख्तर। एक बार बता देती हूँ, जेबुन निशा कौन थी? ये जो मुग़ल बादशाह थे, आलमगीर की बेटी थी बड़ी, ठीक है। और उसने क्या है, मस्जिद बनवाई थी, जीनतुल मसाजिद के नाम की एक मस्जिद बनाई थी। और दूसरी थी निशातुन निशा बेगम। ये कौन थी? हसन मोहानी की बेगम थी, जिन्होंने क्या है अपने शोहर यानी के हसन मोहानी की मदद की थी। कैसे मदद की थी? अब जो किताबें अखबारात वगैरह फरोख्त करके घर का खर्चा चलाया था, और उनके मुकदमात वगैरह लड़े थे, ठीक है। और क्या है, और ये आज़ादी के लिए जो है आवाज़ उठाई थी इन्होंने। और बेगम अख्तर कौन थी? ये एक मौशिकार थी, मौशिकी करती थी, ठीक है। ये था, और अब इसके हम अल्फाज मैंने पढ़ा देते हैं। इसको आपने क्या करना है, नोटबुक पे उतारना है। क्या करना है? नोटबुक पे उतारना है। पहले आप लेसन का नेम लिख लोगे और फिर अल्फाज मायने लिखोगे। जी अल्फाज है, फर्स्ट लफज है ख्वातीन। क्या है? ख्वातीन। ख्वातीन किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बता ही दिया था, औरतों को कहते हैं, ठीक है। ख्वातीन हमें इंग्लिश में कहते हैं लेडीज, वुमेन्स, ठीक। अब ओनली खातून होती है, एक लेडी को खातून कहते हैं, और जब बहुत सारे लेडीज़ हों उसको ख्वातीन कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्लूरल है ख्वातीन, खातून की जमा। अच्छा जी, नेक्स्ट है लोहा मनवाना। क्या है? लोहा मनवाना मीन्स ये मुहावरा है, ये मुहावरा है। इसका मीनिंग क्या होता है? अपनी अहमियत का एहसास दिलाना। क्या होता है? लोगों को अपनी बहादुरी का कायल करना, ठीक है, और अपनी अहमियत का एहसास दिलाना कि हम भी कुछ हैं। अपना लोहा मनवाना मीन्स कि अपने आप को दिखाना कि हम भी कुछ हैं, कुछ हमारे भी ताकत है। ये नेक्स्ट है जी इलम। क्या है ये? जी इलम। जी इलम मीन्स क्या होता है? इलम वाला। क्या होता है? इलम वाला या जानने वाला। नेक्स्ट है वाक़ होना। वाक़ होना मीन्स होता है मौजूद होना, ठीक। नेक्स्ट है तर्ज तामीर। क्या है? तर्ज तामीर मीन्स क्या होता है? तामीर का अंदाज़, तामीर का तरीका। तामीर होता है बनवाने का, ठीक है। तर्ज तामीर या तामीर मीन्स क्या होता है? बनवाना, बनवाने का अंदाज़, तामीर का तरीका, ठीक। जैसे कि इमारत तामीर करवाना, वो तामीर, ठीक है ना। नेक्स्ट है वतन परस्त। क्या है ये? वतन परस्त। वतन परस्त किसे कहते हैं? वतन से मोहब्बत करने वाले को कहते हैं वतन परस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट है हाथ दराज करना। क्या है ये? हाथ दराज करना। हाथ दराज मीनिंग होता है, मीन्स होता है इसका हाथ फैलाना, लोगों से मदद मांगना। हाथ दराज करना मीन्स क्या होता है? हाथ फैलाना या लोगों से मदद मांगना। नेक्स्ट है फरोख्त करना। क्या है ये? फरोख्त करना। फरोख्त मीन्स क्या होता है? बेचना। अच्छा जी, नेक्स्ट है मुकदमात। मुकदमात है, ये भी क्या है? प्लूरल है। मुकदमा है जो वो सिंगुलर होता है यानी कि वाहिद होता है मुकदमा, और मुकदमात उसका जमा होता है, ठीक है, मुकदमे की जमा। मुकदमा पता है ना किसे कहते हैं? केस वगैरह जो लड़ते हैं तो वो उसको क्या कहते हैं? मुकदमा कहते हैं। जी तो सरगर्म। सरगर्म क्या होता है? मेहनती। सरगर्म मीन्स होता है मेहनती, या कह लो जोश से भरी हुई। मेहनती या कह लो या जोश से भरी हुई। रेस्ट है, नेक्स्ट है रुकन। क्या है ये? रुकन। रुकन मीन्स होता है मेंबर। क्या होता है? मेंबर। अच्छा जी, मुतालबा करना। मुतालबा करना मीन्स होता है मांगना, तलब करना, ठीक है, मांगना कोई चीज़ को, मांगने को क्या कहते हैं? मुतालबा करना। नेक्स्ट है रवायात। क्या है ये? रवायात। रवायात भी क्या है? प्लूरल वर्ड है, ये रवायत से बना हुआ है, रवायत की जमा, जो रवायत चलती है, जो कह लो हम लोग कैसे बोलते हैं, जो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती है उसको रवायत बोलते हैं, ठीक है। जो पहले कोई काम कर रहे थे अभी तक वही चीज़ चल रहा है, ठीक है। सभ्याचार कह लो ना, सभ्याचार जो पीछे से वही चल रहा है, एक चीज़ समाज में, एक चीज़ मतलब के रस्म व रिवाज कह लो, रस्म व रिवाज एक पीछे से ऐसे ही चल रहा हो, उसको चेंज ना करते उसको क्या कहते हैं? रवायत बन गया है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है तर्ज। क्या है ये? तर्ज।
तर्ज मीन क्या होता है, तरीका, क्या होता है तरीका। नेक्स्ट है रियाज, रियाज कहते हैं मेहनत को, किसे कहते हैं मेहनत और मश्क को, ठीक है ना जी। मारूफ, मारूफ किसे कहते हैं मशहूर को, किसे कहते हैं मारूफ, मीन्स होता है मशहूर, नामी गरामी, यानी कि जिसका बहुत नाम हो, ठीक। और नेक्स्ट है गैर मामूली, क्या है गैर मामूली, गैर मामूली मीन्स होता है उम्मीद से ज़्यादा, क्या होता है उम्मीद से ज़्यादा। नेक्स्ट है खिदमात, क्या है ये खिदमात, खिदमात मीन्स होता है खिदमत की जमा, खिदमात मीन्स होता है खिदमत की जमा। एतराफ़, एतराफ़ मीन्स क्या होता है तस्लीम, एतराफ़ मीन्स क्या होता है तस्लीम। अच्छा ये नेक्स्ट है वाबस्ता रहना, क्या है वाबस्ता रहना, ताल्लुक़ रखना, क्या है ये वाबस्ता रहना मीन्स क्या होता है ताल्लुक़ रखना। ये थे वर्ड्स मीनिंग, आपने नोटबुक पे उतार लेने हैं, उसके बाद आपने क्या करना है सवाल और जवाब करने हैं। चलिए ये भी करवा देते हैं। फर्स्ट जो सवाल है वो है जैबुन निशा बेगम कौन थी, जैबुन निशा बेगम कौन थी, तो इसका जवाब क्या आएगा, जैबुन निशा बेगम मुगल खानदान के बादशाह आलमगीर की सबसे बड़ी बेटी थी और निहायत जी इलम खातून थी, ठीक है ना, ये लिख लेना है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है जैबुन निशा ने कौन सी मस्जिद तामीर कराई, कौन सी मस्जिद तामीर कराई थी, जीनतुल मसाजिद, ठीक है। ये कहाँ वाक़ है, ये है भाई दिल्ली के मशहूर इलाके दरियागंज में, ठीक। अच्छा जी नेक्स्ट है नसातुन निशा हसन मोहानी की मदद किस तरह करती थी, किस तरह करती थी, नसातुन निशा ने किताबें अखबारात और रसायल फरोख्त करके घर का खर्चा चलाया करती थी और साथ ही में मौलाना हसन के लिए मुकदमात लड़ने का इंतज़ाम करके उनकी मदद की, ठीक। और नेक्स्ट है जो फोर्थ क्वेश्चन है ये बेगम अख्तर और गज़ल गायकी दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बेगम अख्तर और गज़ल गायकी दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, इस जुमले की वजाहत कीजिए। बेगम अख्तर और गज़ल गायकी दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं क्योंकि बेगम अख्तर ने अपने दिलचस्पी और रियाज से गज़ल गायकी के लिए मियार कायम किया और उन्होंने गज़ल गायकी में ठुमरी को फ़न बना दिया है, इसीलिए क्या कहेंगे कि जो ये है बेगम अख्तर और गज़ल अलग नहीं है क्योंकि जो गज़ल को तैयार किया है किसने किया है, बेगम अख्तर ने किया है। गज़ल गायकी का जो अंदाज़ पैदा किया है वो किसने पैदा किया है, बेगम अख्तर ने, तो इसीलिए बेगम अख्तर ने किया है तो इसी के नाम से गज़ल चलते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, बेगम अख्तर को हुकूमत हिंद ने कौन कौन से एजाज़ दिए, बेगम अख्तर को हुकूमत हिंद ने कौन कौन से एजाज़ दिए, बेगम अख्तर को हुकूमत हिंद ने पद्मश्री और पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा और साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया। बेगम अख्तर को हुकूमत हिंद ने पद्मश्री और पद्म भूषण के एजाज से नवाजा और साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया तक लिखेंगे, ठीक जी। अब आपने ये नोटबुक पे उतार लेने हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी बात मानोगे और मुझे अपना वर्क चेक करवाओगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।